दवाई ज्ञान दा पद्धर हुंदा है, दवाई देवे सानू राम आ आप कहने डॉक्टर वधिया डॉक्टर है, नहीं तो आप कहने एवं ही झोला छा पीए। तो कोई इंजीनियर बन जाए उहदे किते कम तो उहदी जिहड़ी है लियाकत दा पता लगदा है, उहदे कुछ लक्षण जां गुण हुंदे ने। भगत संत महापुरख ब्रह्म ज्ञानी अखवाउण नाल कोई ब्रह्म ज्ञानी जां भगत नहीं बन जांदा, उहदी कुछ पहचान है, उहदे कुछ गुण ने, उहदे कुछ लक्षण ने। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने सारिआं दी चर्चा कीती, भगत कौण है, संत कौण है। किन्ने सुंदर बचन बाबा फरीद साहब जी दे, मत हुंदी होए इआना तान हुंदे होए नितआना, अण हुंदे आप मंडाए को ऐसा भगत सदाए, कोई विरला ऐसा जिहड़ा भगत अखवा सकदा है। उवें भगत अखवाउण वाले बहुत ने, ज्यादातर असी भगत नूं कहना शुरू कर दिया, जिन्हें भगवे कपड़े पाए आपां कहिंदे भगती है, को माला लैके बैठ गया भगती है। बाबा कबीर साहब जी एक जन दी रब दे प्यारे दी पहचान दस रहे ने, की लक्षण ने, की वडियाईयां ने। आओ आपां मिल के अजिहे रब दे प्यारे दे दीदार करिए जिस दा वर्णन बाबा कबीर साहब जी ने अपनी रचना विच कीता है। मन चित एकागर करदे आं, बिरतियां गुरु शब्द नाल जोड़दे आं, मुख तो सारे ही उच्चारण करिए जी, सतनाम वाहे गुरु साहिब जी, राग के दारा बाणी कबीर जी ओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्रीमान भगत कबीर साहब जी का यह पवित्र शब्द केदारा राग विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंक 1123 ते सुभायमान है। गुरु साहबां दीयां नजरां च भगत किन्ने सत्कारयोग सन, क्योंकि अज कुछ वो ताकतां जिहड़ियां समाज विच मुड़ के वंडियां पाउणा चाहुंदियां ने, सतगुरु जी ने बड़ी कृपा कीती सानू समाजिक एकता, मनुखी बराबरता, समाजिक बराबरता दी गल समझाई। नहीं तो समाज जुलाहे नूं वी सूदर, चम दे कम करन वाले नूं सूदर, हर किसी नूं सूदर कह के तरसकारिया जांदा सी। सतगुरु जी ने यह सारी सोच नूं खत्म करके भगत जिन्हां नूं माण दिता, एड्डी वड्डी वडियाई दिती। देखो जदों भगतां दी बाणी शुरू हुंदी किन्ने प्यारे लफ्ज़ बाणी भगत कबीर जीओ की, सतगुरु जी ने किते गुरु नानक साहब जी दे नाम नानक जी कह के बाणी नहीं लिखी। कबीर जीओ की, रविदास जीओ की, तथा सबना भगतां की, भगतां नूं एड्डा वड्डा माण दिता। भगत रुतबा बहुत उच्चा है, बड़ा पवित्र है। अज कुछ लोग जिहड़े गुरमत सिद्धांत तो जां गुरबाणी दे सिद्धांत तो कोरे ने, वो कहिंदे जी इत्थे गुरु लिखिया होना चाहिए, गुरु कबीर जी जां गुरु रविदास जी। तुसी गुरु लिखो भाई, तुहाडी मर्जी, रब लिख लो, कोई रोकदा नहीं। लेकिन जो भगत दा रुतबा है उहनूं समझो तां सही किड्डा वड्डा है। भगत ते गुरु विच की फर्क है? गुरु नानक साहिब जी महाराज नूं असीं गुरु कहिंदे आ। गुरु की यह वडियाई है कि गुरु सारियां नूं इक थां ते कठियां कर सकदा है। बाबा कबीर साहब जी भगत ने, रब दे प्यारे ने, उन्होंने इकट्ठ की गल की, पर जिड्डा वड्डा कार्ज गुरु नानक साहब जी कर गए वो होर ना कोई कर सकिया। गुरु की वडियाई कि गुरु नानक साहब जी तो बाद एक नहीं दस गुरु नानक हो गए। गुरु नानक का रूप दस जामिया च विचरिया। गुरु की वडियाई कि उन्होंने मनुखता के उधार दे ली एक पंथ ते एक ग्रंथ सृज दिता, यह गुरु का रुतबा है। गुरु यह नहीं कि जिहड़ा चार अखर बनाए वह गुरु बन गया। टीचर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है। बाबा कबीर साहब जी आप बहादुर सन, महान सन, उच्चे सन, पर बाबा कबीर साहब जी तो बाद कबीर साहब जी होर नहीं हो सके, रविदास साहब जी होर नहीं हो सके, नामदेव साहब जी होर नहीं हो सके, होने चाहिए सन। लेकिन गुरु नानक साहब जी तो बाद गुरु नानक साहब जी दसां जामिया च विचरे। केवल दसां च ही नहीं, सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने इस मानवता नूं अपना रूप देता कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, खालसा मेरो सतगुरु पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा। हर मनुख नूं ही अपना रूप दे दिता, यह गुरु की वडियाई है। गुरु यह कुछ कर सकता है।
मैं बेनती कर रहा सा कि कई लोगों का ख्याल है कि तुसी भगत बाणी ना क्या करो, गुरु बाणी जेड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी च आ गई ते असी गुरबाणी कह के सत्कार दे गुरबाणी दे बराबर मत्था टेकदे आ, पर एक पहचान है ना। भगत रुतबा बड़ा महान है, सतगुरु जी ने घट नहीं किया, गुरबाणी कहिंदी भगत सदा जना को सदा निव रही है, भगत हमेशा पैदा होंदे रहिंदे ने धरती ते किसी ना किसी रूप च विचरदे ने, पर गुरु हमेशा नहीं है। बाबा कबीर साहब जी रविदास साहब जी की जिनी बाणी उन्होंने देखो किन्ना सतगुरु जी ने सत्कार दिता, जियो जी जियो लफ्ज कह के प्यारे है सत्कार है। भगत को घट रुतबा नहीं है, भगत सतगुरु पुरख सोई, सतगुरु ने भी भगत किते किया, सतगुरु जी ने भगत सतगुरु तो घट नहीं, पर सतगुरु जी ने जो एक विशेषता रखी भगतों को विलखण दर्जा दिता वह कायम रहना चाहिए। ये उन्होंने लोगों की सौड़ी सोच है जेडे कहिंदे जी भगतों की बाणी दे नाल गुरु क्यों नहीं लिखिया जा, गुरु लिखना चाहिए। और कई ने ते मुड़ के उस दलदल विच फसण लई एक राह पदरा बना लिया, जिस दलदल विचों गुरु साहब जी ने कढ़िया सी कि आपां सारे एक हां, अवल अल्लाह नूर उपाया, किरत कोई करे, कोई कपड़ा बनाए, कोई चम दा कम करे, कोई खेती करे, कोई राज करे, कोई विद्या पढ़े, अलग गल है, मनुख होने के नाते असी एक हां। सतगुरु जी ने एक सांझे समाज की सिरजना दे लई एडा वड्डा ग्रंथ ते पंथ बनाया सी, पर आप देखते हैं कोई रविदास साहब जी की बाणी नूं वखरियां करके कहिंदा जी अहीं वखरा ग्रंथ बनाउणा है, मुड़ के उस दलदल च जाना चाहुंदे ने। गुरमत का एक बचन है, नदियां वाह विछुनिया मेला संजोगी रंग, नदी चलती है, नदी च निके निके नाले भावे वह चंगे ने माड़े ने पेंदे जाते, नदी बनते जाते, दरिया बनते जाते, जेडे नदी च पै गए वह समुद्र तक पहुंच जाएंगे, समुद्र का रूह बन जाएंगे। पर कई बार चलती नदी चो को वाहड़ा वखरा भी हो जाता है, वखरा हो जाता है, जेड़ा वाहड़ा वखरा हो गया, नाला वखरा हो गया, ते रस्ते च खत्म हो जाने, राजस्थान च गर्क जाने, अगे नहीं बढ़ सकेगा। सतगुरु जी ने एक दरिया बना दिता समुद्र तक पहुंचने के लिए समुचे समाज को कठिया करके, लेकिन अज कुछ वाहड़े वखरा होना चाहते हैं कि साड़ी बाणी वखरी है जी, रविदास जी की बाणी उन्होंने पता नहीं वो मगर सोच केड़ी कम कर रही, उ सोच जिन्हें पहला मनुखी समाज में वक् वक् बरादरिया के नाते गुलाम बनाया होया सी, उही सोच जड़ी है मुड़ के उन्होंने गुलाम बनाने के लिए नीति वरतरी है जी, आ बाणी वक्री कर दो असं वक्रे हाँ। आ देखा पिछे कि जे एक भगत रविदास जी के नाते अखौती नावं बना के किसी ने पेश कर दी, ये वो ताकत ने जिहड़ियां सानू मुड़ के उस दलदल विच फसाउणियां चाहुंदियां ने, जिथों गुरु साहबान ने भगजना ने बड़ा संघर्ष करके सानू कढ़िया सी। कबीर साहब जी की बाणी शुरू करदे आ, सतगुरु जी कहिंदे कबीर जीओ की बाणी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सदा कायम रहण वाला वाहिगुरु जी एक है जो सर्वव्यापक है, केवल गुरु की कृपा सदका मिलता है। उस्तत निंदा दो विवर्जत तजो मान अभिमाना, भगत कबीर साहब जी दे ए अमृत बचन जिन्हां दियां रहौ वालियां पंक्तियां कि तेरा जन एक आध कोई, वाहिगुरु जी तुहाडा जन सेवक ते एक अद्धा ही है, कोई एक अद्धा कोई विरला। सतगुरु जी ने कहा सी कोटन मैं नानक को नारायण जेहे चीत, कोई करोड़ां विचों एक, वाहिगुरु जी तुहाडा जन तो एक अद्धा ही है, कोई इस धरती ते विरला, जे है तो उहदी पहचान की है, उहदी जीवन जुगत की, किवें पता लगेगा। हंस ते बगला इक्को जे हुंदे ने, पर हंस दा कुछ सुभा है जिहदे तों सानूं पता लगदा है, हंस मोती चुगदा है, हंस दुध विच चुंझ मार के पानी ते दुध नूं वखरियां कर दिंदा है, बगला डड्डियां खाई जांदा है, मच्छियां खाई जांदा है, अक्खां मीटियां हुंदियां ने, इक टंग ते खड़ा है लेकिन उहदी बिरथी माड़ी है, ये पहचान ते हंस ते बगले दी है। रब दे जन दी की पहचान है, उहदी की कसवट्टी है। साहिब कहिंदे काम क्रोध लोभ मोह विवर्जत हर पद चीने सोई, रब दे जन दा जीवन दा ढंग पद्धर यह हुंदा है कि वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो उचियां उठ के हर पद वाहिगुरु जी दे विच लिवलीन हो जाता है, हर पद अर्थ कि उस पद ते पहुंच जाता है जिथे पहुंच के परमात्मा दा ज्ञान हो जाता, परमात्मा साडे अंदर ही है, हर मनुख दे अंदर परमात्मा है, हर मनुख परमात्मा का रूप है।
पर साडे अंदर अवगुणा विकारा ने माया दे प्रभाव ने साडे उस सरूप नू साडे उस सुभाव नू टक लिया। जिन्हां नू ज्ञान मिलिया उन्होंने अपने अंदरों इन्हां लहरां नू परे करके इन्हां अवगुणा नू बुराइयां नू परे करके हर पद चीने सोई हरी दी अवस्था नू समझ लिया। उस सच विच लिवलीन हो गया, उन्होंने हरी दे इस अवस्था विच लिवलीन होकर जीवन के आनंद नू माणिया। चीनण दा अर्थ हुंदा समझना, जानना, पहचानना। उन्होंने हरी की पदवी नू पहचान लिया। रब नू को शरीर त्यागण तो बाद नहीं मिलिया जांदा, इसे शरीर विच अपने अंदरों ही रब तक पहुँचना। उदे तक पहुँचने के लिए अपने अंदरों रब नू पहचानना पएगा, रबी सरूप नू जानना पएगा। साहब कहिंदे जिन्होंने अपने अंदरों काम क्रोह लोभ नू परे करके इन्हां दे उपर उच्चे उठ के अपने अंदरों हर पद नू चीन लिया, हरी की अवस्था नू, उदे सुभा नू, उसने सरूप नू जान लिया, वो हरी दा जन है, कोई विरला है। उदी जिंदगी दी रौरीत की है, उस्तत निंदा दो विवर्जत तजो मान अवमान। देखो उन्हें वाहिगुरु जी दे पद नू अवस्था नू सरूप नू अपने अंदरों जान लिया। ये तो वह जानदा क्योंकि साढ़े कोल ते कोई एहो जिहा शीशा नहीं ना, अपन देखिए कि अंदरों रब च जुड़िया होया है। असी तो उहदे बाहरले फिरन तुरन तो विहार तो पता लावांगे ना कि रब दा प्यारा किहो जिहा है। हुण रब दा प्यारा जिथे अंदरों हर पद नू जाण लैंदा, चीन लैंदा, जाण समझ लैंदा, उहदी पहचान की है, किवें पता लगेगा कि रब नू जाण गिआ। उहदे बाहरले कर्म जां विहार इह हुंदा कि उस्तत निंदा दो विवर्जत। उस्तत हुंदा किसी की खुशामद करनी, बिना कारण तो किसी की चापलूसी करी जानी। निंदा दा अर्थ हुंदा कोई है चंगा पर एवें औगुण उहदे कढ़ी जाने, बिना कारण तो बुराइयां कढ़ी जाणा। जिहड़ा बंदा अपने अंदरों उस्तत ते निंदा नूं त्याग देवे, ना तो अपनी उस्तत ही सुन के खुश होए ते ना अपनी निंदा सुन के दुखी होए, ना वह किसी की निंदा करे, ना वह किसी की उस्तत करे, इन्हां दोवां तो मुक्त हो जाए। तजो मान अभिमाना, तो अपने अंदरों कोई वह माण कर देवे तभी कोई फर्क नहीं है, कोई वो सामने आके आकड़ी चलिया जाए, हंकार दिखाए तभी उत्ते कोई असर नहीं पैंदा। इको रस में रहे, कोई वह सन्मान करे, कोई आकड़ च हंकार चा के वो दुर्व्यहार करे, वह निरादर करे, वह एक रस रहे, कोई फर्क ना पे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सुखमनी साहब जी विच रब दे जन दी ब्रह्म ज्ञानी दी गल की, तैसा हरक तैसा उसोग, सदानंद ते नहीं बियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अवमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। रब दे प्यारे दी पहचान ऐस जिंदगी च हुंदी है, जीउंदे जी हुंदी है। यह नहीं कि वह चलिया गया बाद लिख दो जी 108 ब्रह्म ज्ञानी सी, चलिया गया वो तो चलिया गया, लेकिन जीउंदे जी उहदी पहचान होनी है कि उस्तत निंदा तो किन्ना कु बचे है। किसी ने उहदी निंदा करती उत्ते की प्रभाव पिया, किसी ने उस्तत करती उत्ते की प्रभाव पिया, किसी ने उहदा मान करता की प्रभाव है, किसी ने अपमान करता की प्रभाव है। उहदा लोहा कंचन सम कर जाने ते मूर्त भगवन, रब दे दीदार ही करने ना। रब कोई मनुख तो वखरा ते है नहीं है, रब ते मनुख दे अंदर बैठा होया, रब मनुख दे अंदरों ही प्रगट होना। हुण किस मनुख दे अंदर रब प्रगट हो गया, जां किहदे अंदर रब दे किन्ने दीदार कर ले, किवें पता लगेगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने अपनी अमृत रचना चिखथां ते बचन के किहदे अंदर रब वस गया है, जां किहदे अंदर रब प्रगट हो गया, उहदी की पहचान है। ऐ कहिंदे जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने यार पै नहीं जाके, कंचन माटी माने नै निंदया नै उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरक सोग तेरे रहे नियारो, नाहे मान अपमाना, आसा मनसा दो त्यागै। सतगुरु साहब जी कहिंदे जिहड़ा आसा मनसा तो उस्तत निंदा तो उचा उठ गया, दुख विच भी उसे रस चै, सुख च भी उसे रस है, घट ब्रह्म निवासा, उहदे अंदर ब्रह्म दा निवास हो गया, ब्रह्म प्रगट हो गया। निवास तां सारिआं च उहदे अंदर प्रगट हो गया ब्रह्म,
उन्हें ब्रह्म दे दीदार कर ले, उन्हें हर पद नु चीन लिया, जान लिया, लब लिया। लोहा कंचन सम कर जाने, जेड़ा लोहे नू ते सोने नू बराबर जान दे। विद्वानां ने इहदे अर्थ यह भी कढ़े ने कि जेड़ा कोई माण दे देवे, क्योंकि जिवें सोना चंगा लगता है सानू उसत बड़ी चंगी लगती है, जिवें लोहा करड़ा हुंदा है सानू निंदिया जिहड़ी बड़ी औखी लगती है। जेड़ा उसत निंदा तो मान अमान तो उच्चा उठ के लोहे नू सोने नू बराबर ही समझे, उहदियां नज़रां च सब कुछ बराबर होवे। साहब जी कहिंदे ते मूरत भगवाना, उह बंदा ते रब दी मूरत है, रब दा सरूप है। रब दे दीदार करने ने इस मनुखता चो होणगे, रब दे दीदार मनुख दे अंदरों रब ने प्रगट होने। ये नहीं जी मैनू सुते पिया रब मिलिया, जां फलाने नू जी 72 वारी रब मिलिया। भगतां दे नां ते कहानियां कपोल कल्पना बना लिया। रब को व्यक्ति जिहड़ा एक वारी मिल गया ते विछड़ गया, रब को वस्तु है जिहड़ा एक वारी मिल गया ते विछड़ गया। रब तो एक अवस्था है, जिवें पानी पानी च मिल गया तो मुड़ के वखरा नहीं हो सकता। जिहड़ा एक वारी वाहिगुरु जी विच लिवलीन हो गया, जिन्हें वाहिगुरु जी दे दीदार कर लिया, मुड़ के रब नालों विछड़ ही नहीं सकता, उन्हें कोई विछोड़ ही नहीं सकता, जिन्ना मर्जी कोई यतन करे। कल आपां एक बचन सरवण करिया सी कि जिहड़े वाहिगुरु जी दे प्यार जुड़दे ने उन्हां नू कतू ना जाए नखेदिया, रब दे प्यार नालों कदी तोड़िया जां विछोड़िया जा ही नहीं सकदा, जिन्ना को मर्जी यतन करे। कि भगत कबीर साहब जी नूं हटा लिया, उन्होंने हटाउण वालियां ने बड़ा जोर लाया, ब्राह्मण अपने बन्ने खिंचदे सन, काजी अपने बन्ने खिंचदे सन, कि उन्होंने जोड़ लिया तोड़ लिया। साहब जी कहिंदे कि जिहड़ा उस तो निंदा तो मान अवमान तो उच्चा उठ के लोहे नू सोने नू बराबर ही जानदा, वह तो रब की मूर्त है। रब दे दीदार कर लो जे करने, वह रब की मूर्त है। पर सतगुरु जी कहिंदे इहो जिहा कोई इकदा ही हुंदा है संसार दे अंदर, बहुते नहीं हुंदे। तेरा जन एक आद कोई कोई एक अद्धा हुंदा है इस जगत दे समाज दे अंदर, जिहड़ा काम क्रोह लोभ मोह विवर्जत हर पद चीने सोई, जिहड़ा विकारां तो काम क्रोध लोभ मोह तो उच्चा उठ के हर पद नू जान समझ लैंदा है। हरी दी पदवी है, हरी दा सुभाव है, वह तुहाडे अंदर है, बाहर नहीं है किते कि रब किसे तीर्थ ते जाके लभेगा जां रब किसे जंगल जाके लभेगा, रब अंदर है। पर जिन्हें अपने अंदरों गुरु तेग बहादुर साहब जी के किन्ने प्यारे बचन के काहेरे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पोह पद ज्यो बास बसत है मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। ओ वाहिगुरु तुहाडे अंदर है, अपने अंदरों लभो, अपने अंदरों जानण दा जतन करो। जिन्हों अंदरों परमात्मा नहीं लभ्या उन्हों कितों भी नहीं लभना। जिन्हें मर्जी वड्डे धर्म स्थान ते चलिया जाए, जिन्हें मर्जी जंगल च जां पहाड़ ते जां डूंगा टोआ पुट के बैठ जाए, नहीं जान सकदा। हर पद नूं ओह जान सकदा है जिहड़ा विकारां तों उच्चा उठ जांदा है, जिहड़ा उस तों निंदा मान पांद। ते गुरबाणी ने यही मार्ग दिता है, छोड़ो निंदा तात पराई, निंदा भली किसे की नाही। सतगुरु जी ने ना बुराइयां तो ही सानू वरजिया, असीं वाहिगुरु जी नूं लभना चाहुंदे आ, परमात्मा दे दीदार करना चाहुंदे, फिर गुरबाणी पढ़ो, गुरबाणी विचारो, जो गुरबाणी ने मार्ग दिता उहनूं कमाउणा शुरू करो, रब अंदरों ही देख लोगे। रब नूं तुहानूं किसे ने नहीं बुलाउणा कि फलाना मेरे लिए अरदास करेगा ते रब मिल जाएगा। अरदास करना तो उत्तम गल है, करनी चाहिए, सरबत दे भले लिए असी करदे करनी चाहिए। अरदास नाल बल मिलता है, उत्साह मिलता है, हौसला मिलता है, बख्शिश मिलती है। पर जदों भी तुसी मिलना है अपने जतन नाल मिलना है, मेहनत करके मिलना है। देखो ना रोटी पानी तैयार है, सब कुछ तुहाडे सामने लिया के 36 प्रकार के भोजन रख दिते किसी ने, पर खाने ते तुहानू ही पैणगे, उद्यम ते करना पेगा, चौखे मुंह च ते पौने पैणगे, मुंह हिलाउणा ही पेगा, तां ही रस आएगा ना। सब कुछ तुहाडे कोल है, गुरबाणी ने दे दित्ता मार्ग, पर आपां गुरबाणी पढ़दे आ कहिंदे कि फलाना कोई साडे लई काम करेगा तां रब मिलेगा, फलाने राही मिलेगा, रब थां ते मिलेगा। यही ते भरम भटकना पहलां सी, इसे दे उत्ते मुक्त कीता सानूं सतगुरु जी ने। और रब तुहाडे अंदर है,
रब नू जानने ते ए गुण अख्तियार कर लो, किसी दी निंदा ना करो, किसी दा हक ना मारो, किसी दा बुरा ना सोचो, किसी दे उपर जुर्म ना करो, किसी दे ना प्रति माड़ा सोचो ही ना। साहब जी कहिंदे ने इन्हां विकारां तों उच्चे उठ के तुसी हर पद नू जान सकदे हो, रब नू मिलन दी जो वस्ता जिहनू कहिंदे सच खंड वसै निरंकार, उह सच दे सरूप नू सचियार बन सकदे, तुसी समझ सकदे हो सच दे सरूप नू। साहब जी फिर कहिंदे ने रहाओ राजगुण तम गुण सत गुण कही है ए तेरी सब माया। परमात्मा ने अपने तो बद माया बनाई जिदे नाल जगत चल रहा है, माया तो बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। जिहड़े कहिंदे ना माया त्याग दिओ, माया त्याग के तो जिंदगी नहीं है। माया एवें है जिवें बेड़ी चलाउणी है तो पानी चाहिए, पानी तो बिना बेड़ी चल नहीं सकती, रेत ते थोड़ो बेड़ी चलेगी। मनुख की जिंदगी चलनी माया दे नाल है, पर एक गल है कि पानी तो बिना बेड़ी नहीं चलनी, पर बेड़ी दे विच पानी नहीं पैना चाहिए। जो बेड़ी दे विच पानी पै गया बेड़ी फिर भी नहीं चलनी, डुब जाएगी। माया तो बिना जिंदगी नहीं चलनी, पर माया का पानी सादी सुरत च नहीं वसना चाहिए कि माया माया ही कर दे रही है। माया गुजरान है, माया लई मेहनत करनी है, पर जे सादी सुरत विच माया वस गई बेड़ी फिर भी नहीं चलनी, फिर तो बेड़ी डुब जाएगी। सतगुरु साहब जी कहिंदे रब की माया जिहड़ी बनाई है, जदों असीं माया नाल जुड़ जांदे उहदा प्रभाव साडे ते पैंदा। की हुंदा रज गुण तम गुण सत गुण कहीए, साडे च रजो गुण तमो गुण सतो गुण पैदा हुंदे ने। रजो गुण जिच्चों मोह हंकार तृष्णा इहो जिहे ख्याल पैदा हुंदे ने। तम गुण दा अर्थ हनेरा अग्ञानता है, तम गुण दा अर्थ हुंदा गला घुटना वी है, बंदा आत्मक पक्ष तों घुटिया ही जांदा माया दा प्रभाव इहो जिहा पैंदा। सत गुण जिहदे विचों सत संतोख दया इहो जिहे शुभ गुण पैदा हुंदे, इहनूं सत गुण कहा जांदा। इह जरूरी इहदे नाल ही आपां धर्म वाले पासे तुर सकदे। पर इह माया दे रूप ने कई वारी बंदा बड़ा दयालू हुंदा, हंकार हो जांदा है, बड़ा दानी हुंदा पर हंकार हो जांदा। इह सतो गुण है, दानी है, दयालू है, परोपकारी है, पर हंकार हो गया, रुक गया ना माया दे प्रभाव च। माया दा इक प्रभाव है कि दानी है, चंगा प्रेमी है, सेवा करता है, पर हंकार आ गया। यह सतो गुण है जिहड़ा इन्हां तिन्नां तों उच्चा उठदा है, रब दी माया है। रजो गुण तमो गुण सतो गुण चौथे पद को जो नार चीने तिन ही परम पद पाया। जिहड़ा बंदा इन्हां तिन्नां गुणां दे प्रभाव तों उच्चा उठ के चौथी अवस्था पहुंच जांदा है, जिहनूं तुरी अवस्था कहिंदे ने, चौथा पद कहिंदे ने, भाव जिथे इन्हां तिन्नां दा कोई असर नहीं रहिंदा, इन्हां तिन्नां तों मुक्त हो जांदा है, वह परम पदवी नूं प्राप्त कर लैंदे। परम पदवी प्राप्त करन लई असीं आए, जिंदगी दा मकसद है परम पदवी प्राप्त करना। रब ने सानूं मनुख बना के भेजे है, असीं परम मनुख बना के बन के जाना है, परम पदवी प्राप्त करनी है। इवें कह लो रब बन के जाना है इत्थों धरती ते। आखा देखो आप बच्चे नूं स्कूल च भेजदे हां, बच्चा स्कूल जाके कोई डॉक्टर बन के निकलता है, कोई इंजीनियर बन के निकलता है, कोई बिजनेसमैन बन के निकलता है, कोई होर चंगे अहदे ते जांदा है, वह जाना सफल हो गया ना स्कूल च। जिहड़ा स्कूल जाके भी कुछ ना बने आपां किहने कोई फायदा नहीं होया जाण दा, इन्ने साल गवाए पल्ले की पे है, कुछ नहीं फायदा होया। रब ने सानू धरती ते मनुखा जिंदगी दिती है, लेकिन असी मनुख मनुख रह जाइए बड़ी वड्डी गल है। होया कि करतूत पशु की मान जात, मनुख शैतान बन गया, मनुख पशु बन गया, मनुख पशुआं तों अगे चल गया। आ जिहड़ी अरबां आबादी मनुख दी नज़र आ रही है, सारे मनुख नहीं है, सारे मनुख नहीं है, इत्थे बहुत कुछ लुकिया फिरदा है। आपां आए सां परम मनुख बनण दे लई, हर पद नूं जानण दे लई। सतगुरु साहिब जी कहिंदे ने माया दे तिन्नां गुणां दे प्रभाव तों जिहड़ा उच्चा उठ गया, उठणा है जिवें मुरगा भी पानी च रह के भिजदी नहीं, माया नूं वरतदे आ माया तों उच्ची उठणी सुरत, यह बहादुरी है। यही तो मेहनत करके आपां प्राप्त करना, संघर्ष करना। जदों इस प्रभाव तों मुक्त हो गए परम पदवी मिल जाएगी। इस मुखवाक अंदर जन की गल करदे आ, सतगुरु जी ने जिहड़े विशेषण वरते ने, देखो ते मूर्त भगवान, बंदा रब की मूर्त बन जाता है। हर पद चीने सोई ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਜ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਿਹ ਕੰਮ,
रब दे जन दी पहचान की है। ओ तीर्थ वर्त नेम, देखो बड़े धार्मिक लफ्ज ने, सोहने लफ्ज ने, और धर्म की दुनिया च पहिना बंदा इन्हां नाल ही जुड़दा है। तीर्थ स्नान कर लो, मस्या नहा लो, पुन्या नहा लो, चौदिया नहा लो, इधर नूं ही तुरदा है साडा समाज। पर जिहड़ा बंदा तीर्थ दे प्रभाव तो तीर्थ जांदा है, वह तीर्थां नूं माड़ा नहीं कहिंदा, तीर्थ दे असर नूं समझदा है। तीर्थ की है? तीर्थ नहावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ है वाहेगुरु जी का सिमरन करना, तीर्थ है परमात्मा का सिमरन करके अपने अंदरों मैल उतारनी, तीर्थ है। पर तीर्थ वर्त नेम सो संयम, वो तीर्थां ते जाके भी तीर्थां दे बाहरी प्रभाव तो मुक्त रहिंदा। किहड़े तो जी? कत्ती स्नान कर लो, तेरह स्नान कर लो, ग्यारह स्नान कर लो, इनिया पुनिया नहा लो, इनिया मस्या नहा लो। गुरु कहे अमृत बचन के तीर्थ बरतर नेम कर मन में तरे गुमान, नानक निफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। तीर्थ बरतर नेम कर, जिहड़ा बंदा तीर्थां ते जांदा है होर धर्म कर्म करदा है, फिर हंकार करदा है तीर्थां ते जांदा, उहदा ते सब कुछ इवें जिवें हाथी ने नहा लिया ते फिर मिट्टी पा ली अपने आप ते। रब दा प्यारा इस असर तो मुक्त रहिंदा है, वह तीर्थां ते जांदा, हंकार नहीं करदा, वह बरतारक दे चक्कर च नहीं पैंदा, नेम दे हंकार च नहीं पैंदा। देखो वरत करदा है, वरत यह नहीं कि मंगलवार नूं रोटी ना खाधी वरत हो गया, जिवें बीबियां भैणां वरत रखदियां, इह वरत नहीं रखदा। वरत करदा झूठ बोलण दा वरत रखणा है, निंदा करन दा वरत रखणा है, बुराइयां करन दा वरत रखणा है कि आपां झूठ नहीं बोलणा, वरत रख लिया। वरत तां इह रखणा सी बुराइयां तों बचण दा, औगणां तों बचण दा। हाँ शरीरक तंदुरुस्ती लई भोजन एक दिन ना खाणा बहुत चंगी गल है, पर कोई कहे जी एक दिन वरत रखण नाल रब मिल जाएगा, जां एक दिन वखर रखण नाल किसी दी उम्र वधे, ते नरोल पखंड ही है, इहदे वध कुछ नहीं हो सकदा, नरोल एक भरम है। सतगुरु जी कहिंदे रब दा प्यारा तीर्थ वरत नेम सो संयम सदा रहे निकम्म। रब दा प्यारा तीर्थां दे हंकार तो, वरत नेम सो संयम दे हंकार तो सदा निष्काम रहिंदा। सुच कई कहिंदे जी बड़ी सुच रखदे सी धार्मिक, लोकां नूं डराई चले जांदे सुच दे नां ते, और दुनिया नूं शूद्र ही समझदे ने कई धार्मिक लोग जिहड़े ने, कि साहब कोई नेड़े आ गया तो असीं नीवे हो जावांगे, असीं पिट्टे जावांगे। जे बाबा नानक जी यही कम वरतदे ते उह ते इन्नी दुनिया नूं मिल ही नहीं सकदे, उहनां ते भाई लालो जी नूं गल च लै लिया, भाई मरदाना मेरा भरा है। सतगुरु जी ने गरीबां नूं निवाजिया, अपने गले नाल लगाया। सतगुरु जी पिट्टे तो नहीं गए भाई लालो करके जां भाई मरदाने करके। जिहड़ा इन्हां सुच संयम भिट तो वरत नेम तो उच्चा उठदा है, निहकाम रहिंदा है, भाव इन्हां ते जांदा होया भी तीर्थां ते जांदा भी, तीर्थां दे असर तो निहकाम, भाव हंकार नहीं करदा, सो संयम करदा है, सच दा धारणी बणदा है, मन नूं सुचियां करदा है, और जिंदगी दे अंदर वो औगुणा विकारां वल्लों संयम वरतदा है, लेकिन सदा सब कुछ करदा निहकाम रहिंदा है। उहदे अंदर कोई कामना नहीं हुंदी कि मैं इन्ने दिन तीर जावांगा, इह कुछ मिल जाएगा, इन्ने पाठ करांगा, इह कुछ मिल जाएगा। असीं ते कामना सहित करदे ना सब कुछ, असीं पाठ करदे आं वी कहिंदे इह कुछ मिलेगा पाठ करांगे, पर रब दा प्यारा निष्काम। गुरबाणी कहिंदी सेवा करत होए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। सब कुछ करदे आं कामना तो उच्चे उठणे। देखो बच्चा है ना, एक बच्चा नहीं खा जिया, बच्चे नूं भुख लगदी है, मां नूं पता लग जांदा है कि बच्चे नूं भुख लगी है, माड़े जे बच्चे दे चेहरे तो उहदे रोण तों नूं पता लगदा इहनूं भुख लगी है, ना वी रोए, मां नूं पता इहनूं भुख लगी, इहनूं की चाहीदा, मां जाणदी है, उहनूं मंगण दी लोड़ नहीं है बच्चे नूं। गुरबाणी कहिंदी रब दा प्यारा रब दा बच्चा बन जांदा है, उह को कामना करके रब नूं याद नहीं करदा, उह ते रब नूं पता है कि उहनूं की देणा है, उहदी भुख की है, लोड़ की है। असीं जदों मंगदे हां ना असीं ते सीमित कर लैंदे, लकीर मार लैंदे कि सानूं इहो कुछ चाहीदा है, सानूं दरअसल मंगणा ही नहीं आउंदा की मंगणा है, सानूं की चाहीदा है, साडे हित च की, सानूं नहीं है पता, असीं बच्चे हाँ सानूं नहीं पता। सानूं जो चाहीदा है परमात्मा नूं पता है, सानूं की चाहीदा है, कदों चाहीदा है, किन्ना चाहीदा है परमात्मा नूं पता है। इस करके जे रब दा प्यारा जिहड़ा सदा निष्काम रहिंदा है ते परमात्मा आपे ही उहदियां फिर सारियां लोड़ां पूरियां करी जांदा है, उहनूं कदी घाट नहीं रहिंदी। साहिब जी कहिंदे सदा निष्काम रहिंदा है, तृष्णा अर माया परम चूका चित वित आत्म रम। उहदे अंदर तृष्णा खत्म हो जांदी है, उहदे अंदर माया दा जो भ्रम हुंदा है
पर मैं ना साडे मन च कि इन्ना धन होएगा, इन्नी दौलत होएगी, ए कुछ होएगा, इधर बड़ा सुख मिलेगा, पर मैं माया गुजरान है, माया होनी चाहिदी है, पर जे कोई कहे कि इन्ने धन चो इन्ना सुख मिल जाएगा, यह भरम है। ये तो एवें है जिमें कोई बंदा एवं चमकरी रेत नू पानी समझ के कहे जे मेरी प्यास मुक जाएगी। माया दे नाल साडी प्यास नहीं बुझनी, साडी लोड़ पूरी हो सकती, माया नाल घर बन सकदा, गड्डियां कारां कपड़े खाण पीण दे पदार्थ खरीदे जा सकते ने, होर सुखां दे साधन बन सकते ने, पर माया चो सुख नहीं मिल सकता। माया नाल साडी अंदर दी भटकना, साडे अंदर जिहड़ा एक वैकम है, खला है, वह पूरा नहीं हो सकता। वह पूरा तो परमात्मा के प्यार च जुड़ के आना है। इस करके रब का प्यारा सब कुछ करता है, रब के प्यार जुड़द, सिमरन करद, बंदगी करद, परोपकार करद, पर सदा रहे निकम्मा। यह सब कुछ करदे आ कामना तो उच्चा उठा रहिंदा है, वह सदा वाहिगुरु जी के भरोसे च रहिंदा है। और करदा की है, तृष्णा अर माया भ्रम चूका चितवत आत्म रम, और अंदरों माया की भरम भटकना मुक जाती है, तृष्णा मुक जाती है, वह सदा अंदर वाहेगुरु जी नूं ही चेते कर दिंदा, हर कम दे रही परमात्मा नूं चेते करदा है। तेरा जन एक आद कोई कौन है, भगत जी ने कहा सी वाहेगुरु तुहाडा ते कोई एक अद्धा ही जन है, विरल है, जिहड़ा है उहदी पहचान की है कि वह तो रब की मूर्ति बन जाता है, जिहड़ा है वह हमेशा हर पद नूं ही जानदा है, जिहड़ा है उन्हें परम पद पा लिया है, वह सदा निष्काम रहिंदा है, वह सदा आत्म स्वरूप नूं चितवदा रहिंदा है। साडे अंदर वह परमात्मा का रूप है, साडे अंदर उसनू हमेशा चेते करना। जिस चीज नू तुसी याद करोगे उही कुछ बन जाओगे। कुदरत दा एक निजम है, साडे मन च रब ने एक शक्ति रखी है, समर्था रखी है। इस दुनिया च अगर कोई सब तो महान पावरफुल चीज तो वह मनुख का मन है, उदू वड्डी कोई चीज नहीं है। कोई भूत, कोई प्रेत, कोई देवी, कोई देवता मनुख तो वड्डा नहीं। रब तो बाद अगर कोई महान है तो वह मनुख का मन है। मन जो सोचे बन सकता है बंदा, जो सोचे मन च, जे असीं माया नूं चित विदे रहांगे माया वर्गे बन जावांगे। तो जिहड़ा हमेशा ही अपने अंदर परमात्मा नूं ही चेते रखता है, गुरबाणी कहिंदी जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली। जिन्हां ने वाहेगुरु जी नूं जपिया उह ते वाहेगुरु जी बन गए, वाहेगुरु जी की मूर्त बन गए, वाहेगुरु जी का रूप बन गए। तो जिहड़ा रब का प्यारा ना, हमेशा चितवत आत्म रम, अपने अंदर राम नूं, प्रभु नूं, वाहेगुरु जी नूं चेते करता रहिंदा, आत्मक स्वरूप नूं चेते करता रहिंदा। साडे अंदर एक परमात्मा बैठा है, साडी जिंदगी शरीर नहीं है, शरीर तो एक साधन है। जिवें असीं बस ते बैठ के, कार ते बैठ के जाने हां, असीं कार नहीं हाँ, कार तो एक साधन सी सफर नूं तय करन दे लई। कार चों असीं निकल गए तो कार ते चलेगी नहीं, ड्राइवर चलाउण वाला ही कोई नहीं, निकल गए उत्थे पई है, उह ते अकार थी है कार। शरीर एक साधन मिले है सानूं, जिवें घर है, घर एक साधन है जिंदगी बतीत करन दा, असीं घर नहीं हाँ। घर दे विच कोई ना वसे तो घर की वैल्यू है, तो घर बर्बाद हो जाता जे घर च वसे ही कोई ना। घर की वडियाई उन्ना चिर जिन्ना चिर घर च कोई वस रहा है, कार की वडियाई उन्ना चिर जिन्ना चिर कार नूं कोई चलाउण वाला है, नहीं तो कार एवें लोहा ही है। शरीर की वडियाई उन्ना चिर है जिन्ना चिर साडे अंदर कोई बैठी है चीज। साडा जीवन शरीर नहीं है, शरीर के अंदर कुछ बैठा होया, वो जिहड़ा अंदर बैठा है, जो अपने असली स्वरूप नाल असीं जुड़ांगे ना, असीं रब बन जावांगे। जे वो माया नाल जुड़ गया, माया वर्गा बन जाएगा, दुखी होएगा, सुखी होएगा, उतरा चढ़ाव आएंगे। इस करके सतगुरु साहब जी कहिंदे जिहड़ा रब दा प्यारा है ना, हमेशा अपने अंदर चितवत आत्म रम, अपने अंदर हमेशा अपने आत्मक स्वरूप नूं ही चेते करदा रहिंदा। जिह मंदर दीपक प्रगासिया अंधकार तहनासा, भगत जी ने बड़ी प्यारी उदाहरण दिती, जिवें किसी मंदिर विच, घर विच, मकान विच दीपक जग जाए तो उत्थों हनेरा भज जांदा है। बिल्कुल इदां जिस मनुख दे अंदर परमात्मा दा प्यार आ जाए उत्थों अवगुण अपने आप भज जांदे ने। बाबा कबीर साहब जी दा एक बड़ा प्यारा बचन देखो भाई, ज्ञान की आई अंधी, सबे उडानी परम की टाटी, रहे ना माया बांधी, दुचिते की दे थून बिरानी, मोह बलेडा टूटा, तिशना छान परी, थारू पर दुर मत भांडा फूटा।
ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੁਬਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਮਤ ਆਪਣੀ ਅਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੋਚੋ ਬਚਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੋ ਈਰਖਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿਓ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿਓ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿਓ ਹਨੇਰਾ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਤੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਸੌ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਚੱਲਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਔਗਣ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਰਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਗੜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਇਰਸ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤਗੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਗੜੇ ਨੇ ਮਨੋਬਲ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਆਪੇ ਆਪ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜਮ ਦੂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਓਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈ ਜਾਏ 14 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ 30 ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 365 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅੰਧਕਾਰ ਤਹਿਨਾਸਾ ਉੱਥੋਂ ਹਨੇਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਪੂਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਮ ਪਾਗਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਨ ਦਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਿਰਭਉ ਦਰਥ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ
ओ परमात्मा जिस मनुख दे अंदर वस जाए उत्थों ते भटकना पे मुक जांदी है, उत्थों बेचैनी। आपां कहिंदे मन बड़ा बेचैन है, मन बड़ा डरिया होया है, आपां डरे होए हैं, भटकदा है मन। पर जदों अंदर परमात्मा दा प्यार आ गया अपने आप ही भटकना मुक जाएगी। बाबा कबीर साहब जी कहिंदे इह ने रब दे दास दी पहचान। इह रब दे दास दी पहचान है कि वह सदा काम क्रोह लोमो तो उचा उठ जाता है, उसत निंदा दो विवर्जित मान अवमान नूं त्याग दिंदा है, लोहे ते सोने नूं ओह बराबर जानदा है, ओह ते रब दी मूर्त बन जांदा। रब दी मूर्त कोई लुकी होई नहीं, किसी मंदिर किसी मस्जिद किसी गुरुद्वारे च नहीं है, रब दी मूर्त तुहाडे अंदरों प्रगट होनी है। जिवें एक मूर्ति बनाउण वाला पत्थर नूं त्रासदा त्रासदियां त्रासदियां उहदे विचों इक मूर्त कढ दिंदा है, रब तुहाडे अंदर है। सतगुरु तुहाडे अंदर जिहड़ियां होर वाधू गल्लां नूं दूर करदा है, ये विकार निंदा चुगली इस सब झाड़ के अंदरों रब न प्रगट कर दिंदा, बंदा रब की मूर्त बन जाता है। बाबा कबीर साहब जी का यह प्रथम शब्द कैदारा राग विच जिथे उन्होंने गल की है, तेरा जन एक आद कोई, एको अध रब का कोई सेवक है, उसकी पहचान भगत जी ने दसी है। एहोजिहा सेवक सानू समाज मिल जाए धन भाग ने, और एहोजे मिलनी नहीं आपां गुरबाणी रही इहोजे बन दे लई अरदास करनी कि साहब जी आप कृपा करके सानू इस मार्ग ते चला लो। भगत जी दे बचना दी रोज़ विचार करांगे, तकरीबन 5-6 शब्द ने भगत जी दे। मैं बेनती करांगा तुसी जिन्ने आए हो भागां वाले हो, बड़े इनकलाबी शब्द ने, समझण वाले ने, रोज़ इहदी विचार आपां सांझी करिया करांगे। जतन करो, कुछ समां जरूर दिया करो तां कि आपां जिंदगी दे अंदर भगत जी दी इस पवित्र रचना तो कुछ लाहा लै सकीए। बड़े इनकलाबी भगत, महान सूरमे भगत होए ने जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे तक पहुंची है। असीं वडभागी हाँ, साढ़े कोल एडा वड्डा खजाना है। जिहड़े लोग नहीं रौला पाउंदे कि आ कर देवांगे सिक्खी नूं खत्म करने, अपने ये लोग अकारथ ने फजूल दे, कां कुत्ते भौंकदे रहिंदे परवाह नहीं करीदी। गुरसिख इन्ना अमीर है, इन्ना महान है कि उहदा खजाना ते समुची मानवता वरतदी रहे ते उहदियां भुखां ही मिट जाणगियां। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो। आओ आपां इस प्यो दादी दे खजाने नूं समझिए, संभालीए, विचारीए ते लोकां तक वंडीए, अपना भी ते मनुखता दा भी भला होएगा। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। फुल चुक दी खिमा सरबत दा धन्नवाद। मैं फिर बेनती करांगा भाई, रोज़ गुरु चरणा च हाजरी जरूर भरिया करो, सारे ही प्यार सहित बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you.